नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एडवेंचर गाइड में। और मेरा आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो भोटिया कुत्तों में दिलचस्पी रखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भोटिया कुत्ता कहाँ कहाँ आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा और इसकी वैरायटी क्या क्या होती है, किस जगह पर कैसा मिलेगा और किस जगह पर कैसा मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको इनके दामों के बारे में भी बताऊंगा कि आपको किस जगह पे कितने रुपए का कुत्ता मिल जाएगा और कहाँ पे फ्री का मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो भोटिया डॉग्स का जो मेन सीज़न होता है बर्थ का, एक्चुअली में जो पहाड़ों में जो कुत्ते हैं वो मेनली नवंबर से लेके जनवरी के बीच बर्थ लेते हैं। और उत्तराखंड में भोटिया कुत्ते मेनली उन जगहों पर पाए जाते हैं जो 1500 मीटर से अबव की जगह हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, मुनस्यारी हो गया, चमोली, रुद्रप्रयाग, साथ साथ बद्रीनाथ का एरिया, औली, जोशीमठ, साथ ही साथ टिहरी गढ़वाल का एरिया हो गया और उत्तरकाशी एरिया हो गया। इसके साथ साथ जितने ग्लेशियर वाले रीजन हैं जैसे कि पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर और नीति, इन सब जगहों पे ये भोटिया कुत्ता पाया जाता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो लोअर हाइट वाले इलाके हैं, जो 1500 मीटर से लेके 2000-2500 मीटर वाले इलाके हैं, वहाँ पे इस भोटिया कुत्ते की छोटी वैरायटी पाई जाती है, छोटी ब्रीड पाई जाती है। जबकि जो 3000 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इलाके हैं वहाँ पे इनकी बड़ी ब्रीड पाई जाती है। जैसे कि 3500-4000 मीटर पे या 4500 मीटर पे आपको जो टिबेटन मैस्टिफ डॉग है, जो भोटिया कुत्तों की एक टाइप है, वो डॉग आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आप जो ये कुत्ता देख रहे हैं फ़ोटो में, ये डॉग आपको मिल जाएगा 4500-4000 मीटर की हाइट पर। ये डॉग चाइनीज टिबेटन मैस्टिफ से अलग है। यह है उत्तराखंड का टिबेटन मैस्टिफ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भोटिया कुत्ता इतने बहुत आयत में है कि आपको ये रोडों में पड़ा हुआ तक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ भोटिया कुत्ता ही होता है। तो अगर आपका छोटे भोटिया कुत्तों में दिलचस्पी है, जो 2000 से लेके 2500 मीटर तक मिलते हैं, इस हाइट पर मिलते हैं, तो वो तो आपको, अगर आप कभी भी फ्यूचर में हिल स्टेशंस घूमने आते हैं तो आपको वो आसानी से मिल जाएंगे वहाँ पे। कुछ पैसे दे के मिल जाएंगे या कभी फ्री में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो हायर ऑल्टीट्यूड वाले डॉग्स हैं, जहाँ पे जो उन जगहों पे रहते हैं जहाँ मोस्टली बर्फ़ पड़ी रहती है, उन जगहों के कुत्तों को पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अनलेस अगर आप ट्रैकर हों या आप माउंटेन में जाने का शौक़ रखते हो, तब आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा उपाय ये है कि जो हायर ऑल्टीट्यूड के डॉग्स हैं उनको वहाँ के बकरवाल लोग नीचे को लेके आते हैं तलहटी में, जब ठंडा ऊपर बढ़ जाता है तो उस समय वो मेले में इन्हें बेच देते हैं। जो मेला बागेश्वर और धारचूला में लगता है, धारचूला उत्तराखंड की जगह है एक और बागेश्वर भी उत्तराखंड की जगह है, उन जगहों पे मेला लगता है नवंबर से लेके जनवरी के दौरान। उस समय पर आपको ये टिबेटन मैस्टिफ साइज़ के डॉग्स भी वहाँ पर उन मेलों में आसानी से मिल जाएंगे। और जो लोअर अल्टीट्यूड के डॉग्स हैं, इनके लिए आपको मैक्सिमम 3000-5000 रुपये पे कीजिए इनके लिए तो सही है, नहीं तो आपको ये फ्री में भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ हायर अल्टीट्यूड के डॉग्स के लिए आपको 15000-20000 रुपये पे करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको चांसेस हैं अगर आप ऊपर ही जाते हैं तो आपको फ्री में वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन मेले वगैरह से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इसमें एक वैरायटी यह है कि एक 22 पंजों के नाखून वाला होता है, 22 नाखून वाला एक भोटिया होता है, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है और ज़्यादा अच्छा गार्ड डॉग हो माना जाता है, जो शेर से लड़ने से भी नहीं डरता है। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी मैं भोटिया कुत्तों पर वीडियो डालते रहूँगा, जैसे जब अवेलेबल होंगे वो, जब कोई फेयर लगेगा भोटिया कुत्तों का तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपकी कोई क्वेरी हो भोटिया डॉग्स के रिगार्डिंग, या आप अवेलेबिलिटी जानना चाहते हैं कि अभी है या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।